हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग बनाएंगे सैंडविच, जो कि मौसम बहुत ही सुहावना है, तो देखते हैं कैसा बनेगा। तो आपको बनाकर दिखाते हैं, जो कि आपको लोगों को ही डेफिनेटली जैसा भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग थाली में सजा लिए हैं, जो सैंडविच बनाने के लिए जो कच्चा सामग्री यूज होता है, ये ब्रेड, आपका वो अंडा, प्याज और यहाँ पे मिर्चा, टमाटर, ये सारा चीज़ ले लिए हैं। अब इसको बारीकी से काटते हैं। और यहाँ तेल भी डाल दिए, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तभी थोड़ा भूनने में उसके बाद सैंडविच बनाने में मस्त लगेगा। फिर अंडा यहाँ पे फोड़ के इसको मिला लेते हैं, तो सैंडविच में फिर इसको डालेंगे, अच्छा लगेगा। ये फूट गया, यहाँ पे इसको किनारे रख दिए। अब इसको चम्मच से आराम से घोल लेते हैं, क्या ही बढ़िया तगड़ा गुजार रहा है। तो गाइस, यहाँ पे अंडा डालते हैं, क्या ही लजीज दम बनेगा। इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं, सैंडविच में परफेक्ट शेप में आएगा। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सैंडविच को, सैंडविच के लिए ये ब्रेड है, इसको फाड़ लेते हैं बीचों बीच, और इसमें जो मसाला, जो अंडा और जो प्याज वगैरह इसमें डाल लेंगे। तो गाइस, इसको अंडा को इसमें ब्रेड का बीच में डालते हैं। देखिए, अब इसको इसमें रख लेते हैं किनारे। अब यहाँ पे हल्का सा तेल दिए हैं, अब ब्रेड को थोड़ा सा तल लेंगे, तो ही सैंडविच तगड़ा बनेगा। देखिए, गरम करने के लिए अब छोड़ दिए हैं। इसको चला लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से सेक लेते हैं बढ़िया से, तभी ज़बरदस्त मज़ा आएगा गाइस खाने में। यहाँ पे हमारा सैंडविच फाइनली रेडी हो गया है। तो इसमें प्याज और टमाटर इसमें डाल देते हैं, ताकि खाने में बहुत तगड़ा लगे। ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल लिए हैं गाइस। यहाँ पे गाइस रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं गाइस। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। फाइनली हमारा सैंडविच तैयार है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा।